हेलो एवरीवन, मैं सोनिका। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब लड़की को प्यार हो जाता है तो वो कौन कौन से काम करने लगती हैं। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आप किसी लड़की से बात करते रहते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ उसकी फीलिंग्स आपके लिए बदल गई हैं या वो आपको पसंद करने लगी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। क्योंकि आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि अगर कोई लड़की प्यार करने लगती है या किसी में इंटरेस्ट दिखाने लगती है तो कौन कौन से काम करने लगती हैं। क्योंकि दोस्तों, जब कोई लड़की प्यार में होती है या किसी में इंटरेस्टेड होती है तो वो डायरेक्ट तो नहीं बोलती, बट उसके आप में या उसमें बहुत से चेंजेस आने लगते हैं, बदलाव आने लगते हैं, जिन्हें नोटिस करके आप आसानी से लड़की की फीलिंग्स के बारे में पता लगा सकते हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है इसे ज़रूर दबा लीजिए, जैसे जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि अगर लड़की को प्यार हो जाता है तो वो रोमांटिक गाने वगैरह या रोमांटिक मूवीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगेगी, रोमांटिक म्यूज़िक सुनेगी, और यहाँ तक तो ठीक है, बट वो आपको भी इसके बारे में सजेस्ट करेगी कि ये गाना बहुत अच्छा है, ये मूवी बहुत ही रोमांटिक है। इस तरह की हरकतें या इस तरह के साइन अगर आपको लड़की की तरफ से मिल रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको प्यार करने लगे हैं। और दोस्तों, साइकोलॉजी भी कहती है कि जो गाने होते हैं ना, वो इंसान की लाइफ से जुड़े होते हैं, उसकी मोमेंट से जुड़े होते हैं। जैसे कि अगर किसी का हाल ही में ब्रेकअप हुआ तो वो ऐसे ऐसे गाने सुनेगा ना जो उसकी लाइफ में, उसने अपनी लाइफ में कभी ना सुना है। मतलब कि इतने दर्द भरे, इतने बेवफा टाइप के गाने उसके फ़ोन की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो उसने लाइफ में कभी ना सुने हो वैसे गाने सुनेंगे। तो ऐसे ही अगर लड़की को आपसे प्यार हो गया है तो वो आपको ये बताने के लिए कि वो आप में इंटरेस्टेड है तो आपके सामने रोमांटिक गाने वगैरह या रोमांटिक मूवीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगी। आपसे दोबारा मिलने के लिए आपके पास अपनी कोई ना कोई चीज़ छोड़ के जाना, ठीक है, लाइक पेन हो गया, बुक्स वगैरह, कॉलेज में पढ़ते हो तो नोटबुक वगैरह, इन चीज़ों को छोड़ के जाना ताकि उन चीज़ों को लेने के बहाने वो दोबारा आपसे मिल सके, आपके करीब रह सके, आपसे बात कर सके। तो इस तरीके के काम भी मोस्टली लड़कियां करती हैं जब वो किसी को प्यार करने लगती हैं या वो किसी में इंटरेस्ट दिखाने लगती हैं, तो ये भी मोस्टली लड़कियों का ही काम है। अगला है कि अगर लड़की आपको प्यार करने लगी है या वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो वो आपके साथ बात करते समय आपकी ओर झुक कर बैठेगी। लाइक एक तरह से आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोस्तों ये ह्यूमन नेचर होता है कि अगर आपको किसी से प्यार है या आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं तो आप उससे बात करते समय झुक कर बैठते हो, ठीक है। या अगर आप में इंटरेस्ट नहीं होता है तो वैसे ही आप थोड़ा सा दूर या गैप बनाकर बैठोगे। तो इस झुकाव को नोटिस करके भी आप आसानी से किसी भी लड़की की फीलिंग्स के बारे में जान सकते हो कि वो आप में इंटरेस्ट लेने लगी है या वो आपको चाहने लगी है। अगला है कि अगर लड़की आपको प्यार करने लगी है तो वो आपको अपने हर प्लान में शामिल करेगी, ठीक है, आपसे सजेशन लेगी। जैसे कि अगर उसका बर्थडे है तो अपनी बर्थडे पार्टी के बारे में आपसे सजेशन लेगी कि क्या करना चाहिए, कैसे प्लान करना चाहिए, किन किन को इनवाइट करना चाहिए, इस तरह के सजेशन आपसे लेगी, ठीक है, अपने प्लान्स में आपको शामिल करेगी। तो ये लड़कियों की तरफ से वो साइन है जिसे नोटिस करके या जिन्हें ऑब्जर्व करके आप आसानी से किसी लड़की की फीलिंग्स जान सकते हो कि उसे प्यार हो गया है या वो आपको पसंद करने लगी है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।